कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम नया पाठ आरंभ करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरण बाय ब्रेन रूट सीरीज। आज हम पाठ दो आरंभ करेंगे। पाठ का नाम है जादुई कुएं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, आप अपने माता पिता या शिक्षक से पता करो कि कुएं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही उनसे संबंधित दो कार्य दिए गए खाली बॉक्सों में भरो। तो बच्चों, इसमें क्या करना है, आप अपने माता पिता और अपने शिक्षक अपने टीचर से पूछेंगे कि कुआं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कुएं से संबंधित दो कार्यों के बारे में आप दिए हुए स्थान में लिखेंगे। कविता प्रवेश। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि ईमानदारी सर्वोपरि है। वो कैसे, यह तो कहानी पढ़कर ही समझ आएगा। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसीलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। तो राजा कृष्णदेव अपने गृह मंत्री हम कहते हैं मिनिस्टर को, तो अपने गृह मंत्री को राजा आदेश देते हैं कि राज्य में बहुत सारे कुएं बनवाएं, जिससे क्या होगा कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो कुएं में पानी होगा, तो नगर के लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश अनुसार नगर में कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर, तो गृह मंत्री ने शाही कोष मतलब शाही खजाने से क्या किया, बहुत सा धन लिया। और जैसा राज्य ने कहा था, जैसा राजा ने उसे आदेश दिया था, उसने नगर में बहुत सारे क्या तैयार कराए, कुएं। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर में, एक दिन क्या हुआ, राजा ने नगर का भ्रमण किया। भ्रमण मतलब उसमें घूमे, कहाँ, अपने राज्य में, और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होता देख वो संतुष्ट हो गए। तो राजा ने क्या सोचा कि एक बार मैं अपने नगर में खुद घूमता हूँ और देखता हूँ कि जैसा मैंने कहा था वैसा हो रहा है या नहीं। तो राजा के कहे अनुसार क्या था, नगर में कुएं तैयार थे। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनाली रामा के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनाली राम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तो एक बार क्या हुआ, गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से मतलब उस नगर के बाहर से कुछ गांव वाले कहाँ पहुँचे, तेनाली राम के पास। और वो क्या कर लेकर पहुँचे, वो गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर पहुँचे। तो उन्होंने, तेनाली राम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें क्या कहा कि न्याय इंसाफ प्राप्त करने का रास्ता बताया। किसे बताया, गांव वालों को। तेनाली राम अगले दिन राजा से मिले। तेनाली राम अगले दिन किससे मिले, राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है, वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। तेनाली रामा ने राजा से बोला कि मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है और वो क्या कर रहे हैं,
हमारे कुओं को चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकते हैं? भाई कुआं तो एक जगह खोदा गया है ना। तो राजा कहता है कि भाई तुम कैसी बात करते हो, कोई चोर कुएं को कैसे चुराएगा? महाराज यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है, वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। तो तेनालीराम राजा से कहता है कि ये बात हैरानी वाली तो ज़रूर है, लेकिन अब तक वो चोर बहुत सारे कुएं चुरा चुके हैं। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। और उसकी बात जब सबने सुनी, जो भी दरबार में दरबारी बैठे थे सब हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनाली राम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। राजा कहता है, तेनाली राम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बात पर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। महाराज मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं गांव वालों को साथ लाया हूँ, वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वो आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो तेनालीराम राजा से कहता है कि मुझे पता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अपने साथ गांव वालों को लाया हूँ, वो बाहर खड़े हैं, आप उन्हें बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तो जब लोगों को अंदर बुलाया, उनमें से एक गांव वाला कहता है कि आपके मंत्री ने जितने कुएं बनाए थे उनमें से सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुएं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं नहीं है। तो राजा ने बात सुनी और अपने दरबारी गृह मंत्री तेनालीराम सबके साथ गांव में पहुंचे। तो वहां क्या देखा कि उस नगर में और उसके आसपास कोई भी कुआं नहीं था। राजा को यह पता लगते ही गृह मंत्री घबरा गया। जैसे ही गृह मंत्री को पता चला कि राजा को ये बात पता चल गई तो वह घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था, बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर लिया था। तो क्या हुआ था कि गृह मंत्री ने कुछ ही कुएं बनवाए थे और बाकी जो से पैसे मिले थे उसने अपने लिए रख लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए रख लिया था उन्हें। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे, वह गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज इसमें इनका कोई दोष नहीं है, वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। तो धीरे धीरे राजा समझ गया कि तेनालीराम उन्हें क्या बताना चाहता था। तब उन्होंने अपने गृह मंत्री को बुलाया और उस पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन तेनालीराम ने कहा कि महाराज इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जितने भी कुएं बने थे वो जादुई थे, हवा के साथ सब समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। तो जैसे तेनालीराम ने गृह मंत्री की तरफ देखा तो
तो गृह मंत्री को शर्म आई, उसने अपना सर नीचे झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 कुएं और बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनाली राम को सौंपी गई। राजा ने गृह मंत्री को डांटा और क्या कहा कि नगर में 100 कुएं बनवाए और इन सब का काम की देखभाल किसे देखी गई, किसे सौंपी गई, तेनाली राम पर सौंपी गई। अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। आदेश, आदेश का अर्थ होता है हुक्म देना, ऑर्डर देना। भ्रमण, घूमना। निरीक्षण, जांच, पड़ताल। संतोष, तृप्त। विरोध, खिलाफ। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राजा ने नगर भ्रमण के दौरान क्या देखा जिससे वे संतुष्ट हो गए? तो राजा ने नगर भ्रमण के अनुसार यह देखा कि उसके आदेश अनुसार नगर में कुएं बनवाए गए हैं। राजा ने गृह मंत्री को कितने कुएं बनवाने का आदेश दिया? राजा ने गृह मंत्री को 100 कुएं बनवाने का आदेश दिया। कुएं किसने चुराए थे बताइए? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। राजा कृष्णदेव राय ने गृह मंत्री को आदेश दिया। राजा कृष्णदेव ने क्या आदेश दिया था? राज्य छोड़ने का, महल बनवाने का, कुएं बनवाने का या तालाब बनवाने का? तो राजा ने आदेश दिया था कुएं बनाने का। प्रश्न था, कुएं का निरीक्षण किया किसने किया? गृह मंत्री ने, गांव वालों ने, राजा ने या रानी ने? कुएं का निरीक्षण राजा ने किया। ग, तेनाली राम की बात सुनकर सभी दरबारी, तेनाली राम की बात सुनकर सभी दरबारी क्या करने लगे? हंसने लगे, रोने लगे, घबरा गए या चुप हो गए? तेनाली राम की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। प्रश्न 3, किसने कहा? यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, आपको बताना है कि इन वाक्य को किसने कहा। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं, ये वाक्य किसने कहा था? तेनाली रामा ने, तेनाली राम ने। क्या बात करते हो तेनाली, ये वाक्य किसने कहा था? महाराज ने। क्या किसने कहा था? महाराज ने। यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, ये वाक्य कहा था तेनाली राम ने। घ, महाराज इसमें इनका कोई दोष नहीं है, यह वाक्य भी किसने कहा? तेनाली राम ने कहा। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, डैश पास आ रही थी, क्या पास आ रही थी? गर्मियां। ख, शीघ्र ही राजा के डैश नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। तो राजा का नगर का नाम क्या था? विजय नगर। ग, तेनाली राम ने उनकी डैश सुनी, क्या सुनी थी? शिकायत, शिकायत। ग, राजा ने कहा कोई चोर डैश को कैसे चुरा सकता है? किसको? कुएं को। राजा ने बाहर खड़े डैश को दरबार में बुलाया, किसे बुलाया था? गांव वालों को। कहाँ बुलाया था? अपने दरबार में। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों एक बार पुनः आप अपने पाठ का अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।